नमस्कार, प्रथम खबर सहित मु स्मृति लग्न। प्रथमे देखिबा कोन रहिछि आजर हेडलाइंस। COP26 समिट्रे दुनिया को मोदी मंत्र, जलवायु परिवर्तन उपरे देले पंचामृत फॉर्मूला, कहले विकासशील देश जलवायु परिवर्तन जोगु संघर्ष करुछन्ति। आजिठ घर घर दस्तक टीकाकरण कार्यक्रम, टीका न नहींथिबा लोकंकु चिन्हट करिवे स्वास्थ्यकर्मी, वैक्सीन नेबाकु लोकंकु करिवे सचेतन, नवंबर शेष सुधा प्रथम डोज देबार लक्ष्य। महाराष्ट्र पूर्वतन गृहमंत्री अनिल देशमुख गिरफ, बट्टी आदाय मामलें गिरफ कला ईडी। मनी लंडरिंग नहीं अनिल विरोध में प्रमाण, आज मेडिकल टेस्ट परे कोर्ट में करा जिबो हाजिर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक कुचिंडा गस्त, गस्त पूर्व बीजेपी कर्मी को गिरफ कला संबलपुर पुलिस। पुलिस गिरफदारी को नहीं बीजेपी महल रे निंदा, मुख्यमंत्री गस्त बेले विरोध प्रदर्शन करिबो बीजेपी। अनुगुण बीजेडी कार्यकर्ता दादागिरी, बीजेपी महिला मोर्चा सदस्य को संघबद्ध आक्रमण, गुरुतर अवस्था अनुगुण मुख्य चिकित्सालय भर्ती, अभियुक्त को गिरफ करने को बीजेपी महिला मोर्चार दावी। सुंदरगढ़ में जलनिधि योजना पलटि प्रहसन, काम नक बिल, चाषी पैसा खाऊ सरकारी बाबू, चाषी जमी को हो पार जलसे। दीपावली एसआरसी गाइडलाइन, केवल सबुज बाण बिक्री व व्यवहार को अनुमति, राति 8 10 भितर बाण फुटाइबा को हां, पीएसओ सर्टिफिकेट थिले बिक्री करिपारिबे बाण। संपूर्ण खबर को आसीबा, ग्लासगो रे आयोजित COP26 को संबोधित करी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया को पंचामृत मंत्र देछंती। विकासशील देश जलवायु परिवर्तन जोगु संघर्ष करथबा बेले ए मंत्र जलवायु परिवर्तन रोकिबा दिगरे बड़ पदक्षेप नेबो बोली प्रधानमंत्री कहिछंती। ग्लासगो COP26 रु विश्व को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पंचामृत मंत्र, विकासशील देश जलवायु परिवर्तन जोगु संघर्ष करुछंती। एही मंत्र जलवायु परिवर्तन रोकिबा दिगरे बड़ पदक्षेप हेबो बोली कहिछंती मोदी। प्रथम, भारत 2030 सुधा जीवाश्म नथिबा शक्ति क्षमता को 500 गीगावाट को आनिबो। द्वितीय, 2030 सुधा भारत अक्षय शक्ति माध्यमरे 50% शक्ति आवश्यकता पूरण करिबो। तृतीय, वर्तमान ठारु 2030 पर्यंत नीट प्रोजेक्ट कार्बन निर्गमन को 1 बिलियन टन ह्रास कर। चतुर्थ, 2030 सुधा भारत यार अर्थनीतिर अंगारकामल तीव्रता को 45% रु अधिक ह्रास कर। पंचम, 2070 सुधा भारत नेट सुन लक्ष्य हासिल कर बोली प्रधानमंत्री कहते। फ्रेंड्स, आज मैं आपके बीच उस भूमि का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जिस भूमि ने हजारों वर्ष पहले ये मंत्र दिया था, सम गच्छ द्वम समद्व द्वम संवो मानसी जानता। आज 21वीं सदी में ये मंत्र और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, प्रासंगिक हो गया है। समगच्छ द्वम यानी सभी साथ मिलकर चले, संबद्धम यानी सभी मिलजुल कर आपस में संवाद करें, और सम्मो मनानसी जानता यानी
सभी के मन भी आपस में मिले रहें। फ्रेंड्स, जब मैं पहली बार क्लाइमेट समिट में पेरिस आया था, तब मेरा यह इरादा नहीं था कि दुनिया में हो रहे अनेक वायदों में एक वायदा अपना भी जोड़ दूं। मैं पूरी मानवता के लिए एक चिंता के साथ आया था। मैं उस संस्कृति के प्रतिनिधि के रूप में आया था जिसने सर्वे भवन्तु सुखिनः अर्थात सभी सुखी रहे का संदेश दिया है, और इसलिए मेरे लिए पेरिस में हुआ आयोजन एक समिट नहीं, सेंटीमेंट था, एक कमिटमेंट था। और भारत वो वायदे विश्व से नहीं कर रहा था, बल्कि वो वायदे 125 करोड़ भारतवासी अपने आप से कर रहे थे। और मुझे खुशी है कि भारत जैसा विकासशील देश जो करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में जुटा है, जो करोड़ों लोगों की ईज ऑफ लिविंग पर रात दिन काम कर रहा है, आज विश्व की आबादी का 17% होने के बावजूद जिसकी एमिशंस में रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ 5% रही है, उस भारत ने अपना कर्तव्य पूरा करके दिखाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी कहते आमर अभावी नागरिक माने नलरू जल स्वच्छ भारत मिशन उज्ज्वला भली योजनारु सुविधा पाई नागरिकों जीवन धारण मध्य उन्नति आसी अनेक पारंपरिक संप्रदायर प्रकृति सहित सुसंपर्क बंचिबार ज्ञान आम पाखरे अच्छी विद्यालय पाठ्यक्रम अंतर्भुक्त कराजिबा उचित बोली प्रधानमंत्री कहते। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। आज राज्य में आरंभ हो घर घर दस्तक टीकाकरण कार्यक्रम। घर को घर जिबे स्वास्थ्यकर्मी परिवार रे क्यों क्यों सदस्य टीका नहीं नहांती, जदि नहीं छंती उभय डोज ना केवल गोटे डोज नहीं रही जाई छंती, ए सब तथ्य संग्रह करा जिबा परे निकटस्थ टीकाकरण केन्द्र रे टीकादान व्यवस्था मध्य करा जिबा। परिवार कल्याण निर्देश डाक्टर विजय पाणिग्राही एने सूचना देछंती, ए मास शेष सुधा द्वितीय डोज हो सारिथिबा लोकंकर 100% टीकाकरण दिया जाई पारिबो। वर्तमान पर्यंत टीका नहीं नथिबा लोकंकु नवंबर मासरे प्रथम डोज टीका नेबाकु प्रवर्ता जिबो, जहां घर घर दस्तक टीकाकरण कार्यक्रम मुख्य लक्ष्य बोली परिवार कल्याण निर्देशक डाक्टर विजय पाणिग्राही सूचना दे। काली जो कार्यक्रम आरंभ हो 2 नवंबर ठारु हर घर दस्तक टीकाकरण अभियान से हिसाब से ये कार्यक्रम आम हाथ को नि जाए कि आमर फ्रंटलाइन वर्कर्स हूँ आशा हूँ अंगनवाड़ी वर्कर हूँ ANMs हूँ अन्य मानकर सहयोग रे PRI मेंबर्स SHG ग्रुप्स NGOs समस्त साहय प्रति घर को घर जाए से चिन्हट करेंगे जे सेकेंड डोज ड्यू हो सारे से टीका नहीं ना कौ मैंने फास्ट डोज भी नहीं ना तेणु से लिस्ट करेंगे से निकटस्थ जो टीका केन्द्र आम रही सेठी को सेमानंकु फैसिलिटेट करिवे जेमिति सेमानंकर टीकाकरण कार्यक्रम हबो, एवं ए मास सारा ए हाउस टू हाउस कार्यक्रम हमरो जारी रहिवो जोथरे कि हमरो लक्ष्य रहिवो समस्त सेकेंड डोज ड्यू जो माने हिजंती सेमानंकु निश्चित भाबे आमे 100% टीकाकरण एई मास रे करिवो नवंबर मास रे। तो वर्तमान जो टीकाकरण चली छि हमरो सेथिरे आमे ऑलरेडी 3.72 कोटी डोज आमे दे सालुनी जोथरे कि हमरो 2.57 कोटी होची फास्ट डोज अर्थात आमर जी हिताधिकारी अच्छा तार 79% 79% एवं सेकेंड डोज भी आम 1.15 कोटी जन लोक सारे जोटा कि आम 35% वर्तमान जातीय हार जोटा अच्छी ताठू आम उपरे अच्छा किंतु आमर वर्तमान उद्देश्य रहिबो जे आमर जी टीका आम पाखे उपलब्ध अच्छी ताकू केमती आम उपयोग करवा एवं जिते शीघ्र संभव आम समस्त टीकाकरण करवा। आज मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक कुचिंडा गस्त पूर्व बीजेपी कर्मी को गिरफ कला संबलपुर पुलिस, तेज राज्य साधारण संपादक रवि नायक सह जिला बीजेपी युवमोर्चा सभापति व अनेक बीजेपी कर्मी को पुलिस प्रिवेंटिव अरेस्ट करी। शिक्षयित्री ममिता मेहर हत्या घटना न्याय दाबी बीजेपी मुख्यमंत्री गस्त समय विरोध प्रदर्शन कर सरकार
ममिता न्याय देवा भयर भयभीत हो बीजेपी नेता पुलिस गिरफ्त करथिबा बीजेपी कहुछि। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजन 2018 160 कोटी टंका कुआडे गला, चाषीर पैसा खाइल तार जवाब किए देव काली आसुछ जवाब दियो। झुलेन पुल जोटा कि कुचिन्ना बामंडार ऐतिह्य थिला ताकु भांगी दिया गला, से भांगिबार अवस्था केबे सुधरिबो ए तार भी जवाब देव। ममिता मेहर भुलिया केते युवती तुम सरकार रे थिबा तुम मंत्रिमंडल रे थिबा जो बाघ छाल पिंधि बाघ कहुथबा दिव्य शंकर मिश्र से प्रताप छेना से अरुण साहू केते दिन तुम्हें घंट घोड़े रखिब कुचिनार आदिवासी लोक तार जवाब मागुछि। ए बाबद अधिक आलोचना करबा सीधा सलक फिल्ड आम रिपोर्टर अछंति सोमरंजन धळ कुचिंडा प्रतिनिधि। तबे सौम्य किभळी देखंती आज जेभळी भाबरे मुख्यमंत्री गस्त करिवे एवं अनेक कार्यक्रम मध्ये रहिची बीजेपी किंतु पूर्व प्रस्तुति करितिला निश्चित भाबरे विरोध करबा पई मुख्यमंत्री को गस्त को से चासी टंका खाइबा प्रसंग कोहंतु बा ममिता मेहर प्रसंग ए सब प्रसंग रे घेरिबा पई त वर्तमान समय रे कोन सूचना आसुची का को पुलिस अटक रखितबा सूचना रहुची। स्मृति लग्न आज कुचिंडा ग्रस्त आसवे मुख्यमंत्री और आसवा सहित जिलार स्मार्ट कार्ड बांटन करेंगे और अंचल विभिन्न प्रकार 700 कोटी टंकार प्रकल्प शिलान्यास और भित्तिपथ स्थापन हो किंतु कौटि ना कौटि बर्तमान बड़ प्रश्नवाची सृष्टि ये हेल्थ कार्ड नहीं तथा अंचल विकासमूलक कार्य को लेकिन बर्तमान बीजेपी गत काली प्रेस मीट मध्यम पाखापाखि 22 प्रश्न पचारि सरकार उत्तर देवे कि अंचल अनेक चाषी समस्या अच्छी आदिवासी समस्या अच्छी ता छड़ा विभिन्न प्रकार जो इश्यू रहा स्थानीय स्तर रहा कि जिला स्तर में विभिन्न प्रकार इश्यू गुड़िक रही उपस्थापना करता बीजेपी कहीं ना कौटि कर देखो कुचिंडा उपखंड हूँ आदिवासी बहुल अंचल एटिकार लोक मैंने आदिवासी मैंने अनेक प्रकार सुविधा वंचित होती मुख्यतः ममिता मेहर घटना को लेकर कौटि ना कौटि अंचल महोल सरगरम रही बर्तमान आज मुख्यमंत्री कुचिंडा ग्रस्त अच्छा जहाँ को लेकिन कोराकोड़ी मैंने व्यवस्था कराई त्रिस्तरीय व्यवस्था कराई पूरा सुरक्षा व्यवस्था 11 प्लाटून पुलिस कुचिंडा सहर में मुतयन अच्छा तमाम अंचल को कड़न रखा जाती किंतु यह गत काली भाव में विरोध आवास आसाला आज विरोध प्रदर्शन कर बीजेपी कांग्रेस ना कौटिना कौटि विरोध प्रदर्शन कर सूचना मिली आम सहित कुचिंडावासी अच्छा सीधा तेल आलोचना करवा जानवाक चाहिए पूर्व मुख्यमंत्री कुचिंडा ग्रस्त करते विभिन्न प्रकार प्रतिश्रुति देते कौटिना कौटि पूरण ही ना कुचिंडावासी अभियोग करते सर आप कौन कहे आज मुख्यमंत्री ग्रस्त अच्छे कुचिंडा आसमें विभिन्न प्रकार प्रकल्प शिलान्यास कर गत काल देखी आम कुचिंडार जो पूर्वतन विधायक रवि नायक राजस्थान संपादक आगुरु गिरफ्त कर सहित कुचिंडा उपखंड पाखापाखि 7 जन बीजेपी कर्मी को गिरफ्त कर सूचना मिली कौन कहे निश्चित भाव में यह अति दुखदायक घटना जे नवीन सरकार सरकार ये ममिता मेहर हत्याकांड पर आज पर्यंत कौन सीबीआई तदंत एपर्यंत भी है मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आगर मध्य कुचिंडा को बारंबार गस्त कर आज जो आतलक्ष 7 कोटी टंकार प्रकल्प उद्घाटन करने को कि देखा गले 7 कोटी पाखापाखि आगड़े खर्च होते लगुच आज परिस्थिति ये पुलिस प्रशासन प्रस्तुति जमी चली प्रकल्प है तो कम कितु खर्च सरकार बेसी जहाँ जमापड़ी आ निश्चित भाव गत काली बीजेपी कर्मी मैंने आवाज दे सारी जे या निश्चित भाव विरोध करेंगे किंतु आगर एवं जो बीजेपी कर्मी मान को जो आगतुरा जो आरेस्ट कर कड़न में रखाई दुखदायक विपक्षी सब बड़े तार स्वर को आवास आज कुचिंडावासी जवाब मागुच्च मुख्यमंत्री को जे पूर्व प्रतिश्रुति पूरण होनी पुणी थे आसवे बड़ बड़ प्रतिश्रुति देते पूरण हम कि ना बड़ प्रश्नवाची सृष्टि अच्छे किंतु गत काली विभिन्न स्थान को लोक समस्या पचारू जो हेल्थ कार्ड कथ रही हेल्थ कार्ड इश्यू में लोक बर्तमान कौटि ना कौटि कहते आम पूर्व जाइल चिकित्सा होगा बर्तमान हेल्थ कार्ड कम आसुनि बर्तमान पुणी थे मुख्यमंत्री हेल्थ कार्ड बांटे आज कि कम दब कि ना बड़ प्रश्नवाची सृष्टि होती पूर्वरु काली गत काली बीजेपी मुख्यमंत्री को गस्त ऊपर नजर रखी था तो परवर्ती समय फेरिबो आपन को पाक को बहुत बहुत धन्यवाद। सौम्य सविशेष सूचना पई सोमरंजन धळ कुचिंडा प्रतिनिधि अधिक सूचना दोथले खबर बाबद रे समय छोटो ब्रेक रो ब्रेक पर फेरिबा खबर को जारी रहबा खबर
फेरबा खबर को आपण देखुछन्ति प्रथम खबर अनुगुल रे बीजेडी कार्यकर्ताक दादागिरी बीजेपी महिला मोर्चा सदस्य मंजुलता साहू को संघबद्ध आक्रमण गुरुतर अवस्था रे अनुगुल मुख्य चिकित्सालय रे भर्ती करा जैछि सबटे अभियुक्तक गिरफ करबा पई बीजेपी महिला मोर्चा रो दाबी बीजेडी कार्यकर्ताक दादागिरी बीजेपी महिला मोर्चा रो सदस्यांकु मरणांतक आक्रमण बीजेपी महिला मोर्चार सदस्यांकु बीजेडी कार्यकर्ताक संघबद्ध आक्रमण एहि अभावनीय घटना घटी अनुगुल मुख्य चिकित्सालय परिसर थिबा सभागृह निकटरे संघबद्ध आक्रमण शिकार होइथिबा महिला नेत्री मंजुलता साहूंकु गुरुतर अवस्था अनुगुल मुख्य चिकित्सालय भर्ती करा जाइछि राधारमण पड़ारे आमर महिला नेत्री बीजेपी रा महिला नेत्री जेहेतु राधारमण पड़ार स्थानीय बासिंदा सीए से बनिता साहूर परिवार को सटिक आश्वासना देवाई जाइले से ही समय अविनाश परिडा नामक जड़े विजु जनता दल नेता बोलाऊ अविनाश परिडा सीए से शवगृह सामने पुलिस सामने जो प्रकार गोईठा विधा मार्वा सहित असभा भाषा गाड़गुलज कर मोबाइल की तले पकई कि गोड़े दली देवा आरंभ कर तंटी चिपिबा को भी पछेले नाही कहिले मु तते देखिनेबी ता विरुद्ध रे आमे आजि अनुगुल थाना रे एफआईआर लॉज करिचु सेपटे एई घटना को गुरुतर भाबे नैछि महिला मोर्चा गुरुतर आहत मंजुक पक्षरु लिखित एतला को अनुगुल थाना अधिकारी को दिया जाइछि तुरंत अभियुक्त को गिरफ करबा को महिला मोर्चा दाबी करिछि नचत परिस्थिति भयानक हेबा बोली कहिछि महिला मोर्चा आज अनुगुल रे विजु जनता दल कार्यकर्ता जेभली भाव रे आज बीजेपी रो महिला नेत्री को आज मरणांतक आक्रमण करछंती जो अवस्था आज होती आम विजु जनता दल कार्यकर्ता विरुद्ध आज थाना एफआईआर देचु जदि यार दृढ़ कार्यानुष्ठान न नि पुलिस प्रशासन आगामी दिन में आम निश्चय राजरास्तारे रहिबु आ थानारे धारणारे बसिबु तेलदरा वृद्धि प्रतिवाद रे बिजु महिला जनता दल पक्षरु एक विक्षोभ शोभायात्रा अनुष्ठित होइथिला एही शोभायात्रा रे जोग दैथिबा जणे महिला हठात गुरुतर होइ पडिबा फळरे तांकु अनुगुल मुख्य चिकित्सालय रे भर्ती करा जाइथिला एही महिलांको हॉस्पिटल रे देखिबाकु जाइथिले महिला नेत्री आउ एतिकि बेले बिजेडी कार्यकर्ताक आक्रमणर शिकार होइथिले अनुगुल रु तपन दास का रिपोर्ट अर्गस न्यूज परवर्ती खबर को आसीबा महाराष्ट्र पूर्वतन गृहमंत्री तथा एनसीपी नेता अनिल देशमुख गिरफ को करिछि अनिल देशमुख को गिरफ करिछि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट विभाग बट्टी आदाय मामलें अनिल को गिरफ कर मनी लॉन्ड्रिंग नहीं अनिल विरोध में पर्याप्त प्रमाण रही कहुच्छी बार घंटा धरी पचराउचरा करने गिरफ्त कर आज मेडिकल टेस्ट पर अनिल को कोर्ट में हाजर कर मनी लॉन्ड्रिंग नहीं अनिल देशमुख विरोध में प्रमाण लगी सूचना बार घंटा धरी पचराउचरा गिरफ्त कर बट्टी आदायर अभियोग लगी संगीन अभियोग अनिल देशमुख गिरफ होती महाराष्ट्र पूर्वतन गृहमंत्री अनिल देशमुख को गिरफ्त कर सूचना एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट टीम तंको गिरफ कर खोर्धा प्राणनाथ स्वयंशासित महाविद्यालय पदार्थ विज्ञान सम्मान नहीं युक्त तीन विज्ञान में पढ़ुता जटनी ब्लक तराबोई गांव मेधावी छात्री मुस्कान तेहसीन एकाबेके दुई हाथ में दुईट भाषा निर्भुल और सुंदर भाव लेखिबार दक्षता हासिल कर हिंदी इंग्राजी ओडिया संस्कृत उर्दू आदि पांचट भाषा ओलटा अक्षर में दर्पण छवि लिखि से प्रतिपादित करजर अन्य पारदर्शिता जटणी ब्लक ताराबोई गाँव में रहती मेधावी छात्री मुस्कान तेहसीन मुस्कान को पिता एसके शमशेर जड़े ठिका कर्मचारी होता बेले माँ संजीता बानो जड़े गृहिणी मुस्कान एवं निजर निरा एक प्रतिभा चर्चा को आसी पाटी दिन बाम हाथ में और ओलटाई अक्षर लेखुवार अभ्यास एवं अं मान निरा
ମୁସ୍କାନ ଦୁଇ ହାତରେ ଦୁଇଟି କଲମ ନେଇ ଏକାବେଳକେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବେ ଲେଖୁଥିବା ଦେଖି ପରିବାର ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁସ୍କାନ କହନ୍ତି, ଛୋଟବେଳୁ ମୁଁ ମୋ ବାମ ହାତରେ ଲେଖୁଥିବା ଦେଖି ମା ଆକଟ କରିଥିଲେ। ପରେ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ମାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ବାମ ହାତରେ ଓ ପରେ ମିରର ଇମେଜରେ ଲେଖି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବା ପରେ ଏବେ ଏହାକୁ ଫୋକସ କରୁଛି। ମୁସ୍କାନଙ୍କ ମା ସଞ୍ଜିତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଝିଅର ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ପରିଚିତ ହେଇଛୁ। ତାହେଲେ ଲେଖା ଷ୍ଟାର୍ଟ ଛୋଟବେଳେ କଲି, ବାଁ ହାତରେ ଓଲଟା ଓଲଟା ଲେଖୁଥିଲେ। ତାପରେ ମୋ ମମି କହିଲେ ଝିଅ ଏମିତି ଲେଖେନି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ କହିକି ପଢ଼ିପାରିବେନି, ଆଉ ଏକ୍ଜାମରେ ବି ଭଲ ଇଏ ହେବନି। ତାପରେ ମମି କହିଲେ ମୋତେ ଅଭ୍ୟାସ କରେଇଲେ ଡାହାଣ ହାତରେ ଲେଖିବାକୁ, ମୁଁ ଲେଖିଲି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଟିଭି ଦେଖେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ବିକଶିତ ହେବାର ଦେଖିଲି। ଏଇଟା ତ ମୋର ଗଡ୍ ଗିଫ୍ଟେଡ୍, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭଗବାନ ମୋ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ହିସାବରେ ମୋତେ ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗଡ୍ ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଟିଏ ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ମୁସ୍କାନ ଦୈନିକ ନିଜ ଗାଁ ଜଟଣୀ ବ୍ଲକ ତରାବୋଇଠାରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପିଏନ୍ କଲେଜ ଯାଏ 15 କିଲୋମିଟର ସାଇକ୍ଲିଂ କରି ଆସିଥାନ୍ତି। ମାଟ୍ରିକ ଓ ଯୁକ୍ତ 2 ବିଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ସେ ଏବେ ଯୁକ୍ତ 3 ଶେଷ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ। ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ ସମାନ ବିଷୟ ନେଇ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ମୁସ୍କାନ 5ଟି ଭାଷାରେ ଲେଖାପଢ଼ା ଦିଗରେ ନିଜକୁ କରିଛନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ। ହିନ୍ଦୀ, ଇଂରାଜୀ, ସଂସ୍କୃତ ଓ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭାଷାରେ ସେ ମିରର ଇମେଜର ଅକ୍ଷର ଲେଖି ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏକାବେଳକେ ଦୁଇ ହାତରେ 2ଟି ଭାଷାରେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବେ ଲେଖି ନିଜ ଅତିରିକ୍ତ ଗୁଣକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି ମୁସ୍କାନ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଝିଅ ପରିଶ୍ରମୀ ଓ ପ୍ରତିଭାବାନ ବୋଲି ତାଙ୍କ ବାପା କହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇଦେଲେ ଝିଅଟି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ସରପଞ୍ଚ। ମୋ ପଞ୍ଚାୟତର, ମୋ ସାହିର ବାବାଜା ସାହି, ମୋର ନିଜର ସାହିର ପିଲା ମୁସ୍କାନ, ଯିଏକି ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସେ ବହୁତ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଛି ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଠପଢ଼ାରେ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଆଗରେ, ଆଉ ତା'ର ଏଭଳି ଯେ ମିରର ରାଇଟିଂ, ଯେ ଦୁଇ ହାତରେ ଲେଖା ଓଲଟା ଲେଖା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ତାକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ବହୁତ ନିଜକୁ ମାନେ ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଛି। ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରି ତା କଜିନ୍ ପାଖକୁ ଛାଡ଼ିଲା, ସେ ଖୁସି ହେଇକିରି କହିଲା ହଁ ବଢ଼ିଆ ତ ଲେଖୁଛି। ତାପରେ ତା ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଛାଡ଼ିଲା, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଲେ। ତାପରେ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି କଲେଜରେ ଦେଖିଲା, ସାର୍ମାନେ ତା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସାର୍ମାନେ ବି ଦେଖିକି ଖୁସି ହେଲେ। ତାପରେ ତା'ର ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲା ଯେ ମୋବାଇଲ ଦେହରେ ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ୟାକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବି। ତାପରେ ସେ ତାରି ଚେଷ୍ଟାରେ ଆଜି ଆମେ ଏ ଟିଭି ପାଖରେ, ଆର୍ଗସ୍ ଟିଭି ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଲେଖା, ତେଣୁ ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ BSc ଫିଜିକ୍ସ ଅନର୍ସ ପଢ଼ୁଛି, ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ଅଛି, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ସବୁଥିରେ ସେ ଭାଗ ନେଉଛି। ସେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଷ୍ଟ ବୋଲି ଭାବିନି। ସେ ପ୍ରାଣନାଥ କଲେଜ ମଧ୍ୟ ସାଇକେଲିଂ କରିକି ମଧ୍ୟ ସେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯାଇକି କ୍ଲାସ୍ କରିକି କୋଚିଂ କରିକି ସେ ଆସୁଛି। ଜଟଣୀ ବ୍ଲକ ତରାବେଇ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁସ୍କାନ ତେହସିନ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ସରପଞ୍ଚ ବି ଆମ ସହିତ ରହିଥିଲେ। ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ରହିଛି, କିଭଳି ଭାବେ ଆଗକୁ ବିକଶିତ ହୋଇପାରିବ, ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଆମର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଫଳରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଭଳି ଭାବେ ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବା, ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ମନୋବଳ ରହିଛି, ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆଉ ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ପାଠପଢ଼ାରେ ଆଉ କିଛି ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିପାରନ୍ତା, ତେବେ ମୁସ୍କାନ ତେହସିନ ଆଗକୁ ଯିବେ ଓ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଯେ ଖାଲି ଜଟଣୀ ବ୍ଲକ, ଜଟଣୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୁହଁ, ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ଓ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦିଲୀପ ନାଡୁଙ୍କ ସହ ସଂଗ୍ରାମ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସମୟ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ରଖିବା, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।